आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ DPIFF 2023। लेट मी बिगिन दिस आफ्टरनून बाय वेलकमिंग ऑल द गेस्ट, डिग्निटरीज एंड मीडिया पर्सनल टू दिस इलस्ट्रियस एंड प्रेस्टिजियस आफ्टरनून। आई एम मोर देन हम्बल टू बी योर होस्ट ऑफ द इवनिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। This time we are back with another year full of new stories, distinct possibilities and fresh horizons to discover the world of entertainment. As we make our world and our way into the new year, we are all set to delve into the world of creativity and give our audience an incredible cinematic experience. ये हमारी कामना है कि हम फिल्म के माध्यम से भारत की विविधता और सांस्कृतिक वैभव को प्रकाशित कर सके। इन 2023 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स एंडेवर्स टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ द सिल्वर स्क्रीन एमिंग टू हाईलाइट द थीम ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। हमारा प्रयास है कि हम चलचित्र की दुनिया को भौतिक दुनिया से जोड़े और पर्यटन को प्रोत्साहित कर अपने देश की सुंदरता को बढ़ावा दें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने फिल्म उद्योग जगत की रचनात्मकता का जश्न मनाएंगे और भारतीय सिनेमा के सबसे भव्य उत्सव में शामिल होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दादा साहेब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण नाम के साथ सहयोग करने का मौका मिला। इस हिंदी सिनेमा के महोत्सव को सफल बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है और इसके लिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑल द डीम्ड गेस्ट टू गैदर ऑन स्टेज टू मार्क द लैंप लाइटिंग सेरेमनी। Grandson of Dada Saheb Phalke, Shri Chandrasekhar Pusalkar ji, please. Aye, sir. Granddaughter-in-law of Dada Saheb Phalke, Shrimati Mrudula Pusalkar ji. From the Ministry of Information and Broadcasting, Shri Anil Mishra ji. Founder of Pen Studio, Shri Jayantilal Gadaji. Managing Director of MFS CDC Limited, Film City, IAS, Dr. Avinash Dhakaneji. I request Shri Advait Gandayak to say a few words, please. Sorry, we are going to go ahead first with the lamp lighting ceremony. Gadaji, please. Yeah, thank you. All of you. We have candles coming up. Yeah. No problem, they're passing them on. I now request Shri Advait Gadnayak ji to please say a few words. सबको प्रणाम। Actually, मैं पहले एक sculptor हूँ। आज इतने अच्छे दिन है और अच्छे सोच में हम दादा साहब फाल्के के सोच के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई है और शायद बहुत कुछ सरप्राइज मिलेगा जो सोच होगा और जो अवार्ड सेरेमनी होगा उसका हम कोशिश करें कि परम वैभव तक उनको पहुंचा सकते, वो सोच भी हमारे साथ रहेगा।
एक्चुअली एक जब मेरे को बताया था कि एक आर्टिस्ट कैसे सोचता है, आप सोचिए हमारा जो पॉपेट शो था, लेदर पॉपेट शो, छोटे छोटे ऐसे हम गांव गांव जाके हम छोटे छोटे स्टोरी को लेके हम काम करते थे और धीरे धीरे जो एक फॉर्म में हम डेवलप किए फिल्म तक पहुंचे, और उसके लिए एक्चुअली दादा साहब जी का बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है जो आप सब लोग को पता है, उसका बारे में क्या मैं बताऊं। लेकिन मेरा बारे में दो लाइन बोलने के लिए बताए तो मैं एक स्कल्प्टर हूँ। एक्चुअली मैं पत्थर पे ज़्यादातर काम करता हूँ। अभी सुभाष बोस का स्टैचू बन रहा था, एक पत्थर 300 टन पत्थर जब लेके आए। एक्चुअली मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ ना, पत्थर हमारे प्लानेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर होता है स्टोन। उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, जब सरेंडर करते हैं वो हमारे साथ डायलॉग भी करता है, और ऐसे बहुत बड़ा विश्वास होता है। शुरू शुरू में क्या है, बहुत झगड़ा होता है, टेंशन होता है, हाथ में ब्लीडिंग होता है, जो चिजलिंग करते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और एक स्टेज आता है जहाँ की पत्थर का स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है और अपना स्किन का सब मर्ज हो जाते हैं, तो दोस्ती शुरू होता है और एक विश्वास होता है कि हम एक बार दोस्ती हो गया ना, फिर सब कुछ चीज माफ हो जाता है, और उसका बाद वो मेटेरियल नहीं रहता है और बियॉन्ड मेटेरियल हम सोचते हैं। और ऐसे हमारे सोच है कि कुछ भी चीज पत्थर का ऊपर रखते वो सुप्रीम पावर तक पहुंचाता है। इसलिए हम कुछ पत्थर में मेल स्टोन होते हैं, कुछ पत्थर फीमेल स्टोन होते हैं, फीमेल स्टोन में मेल स्टैचू बनाते हैं, मेल स्टोन में फीमेल स्टैचू बनता है, और कुछ ओवरलिंग स्टोन भी होता है जो कि उसमें हम सारी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो सारी चीज बनाते हैं, उसका साउंड से, उसका टेक्सचर से, उसका हम पता करते हैं कौन सा स्टोन है। फीमेल स्टोन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बारीक, उसका बारे में डिटेल बाद में बताऊंगा। लेकिन एक एक सोच जो होता है कि मेटेरियल बियॉन्ड मेटेरियल बात करना और उसका साथ कुछ भी चीज हम रखना है, वो सुप्रीम पावर तक पहुंचाना, और जब हम सोचते हैं गांव में, हम गांव का पास आसपास आज चले आते हैं गांव में, अगर जब हम गांव में पहुंचते हैं ना, मेरे अभी भी याद है मेरा ग्रैंड मदर पाँव से सिर तक पहले छू लेती, और उससे उसको पता हो रहा था मैंने गलत किया कि अच्छा किया। जो सिक्स्थ सेंस का बारे में है ना, वो पत्थर हमको सिखाते हैं, पत्थर सांस लेता है, आप आसपास आएंगे ना ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, उसको आप फील कर सकते हैं। तो कभी कभी जापान में मैंने था स्टोन मैरिज सेरेमनी में करते हैं, तो इतना डिटेल तक जब हम जाते हैं तो एक रूप का तैयार होता है, और जो रूप हजारों साल तक रहता है, वो जो आर्टिस्ट इमेजिन करता है वो हजारों साल का बाद क्या होगा उसका बारे में भी सोचता है। और आज हमारे पास हाई टाइम हो गया, हम हमेशा एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, अभी आर्ट का यूज वैल्यू का बात करना चाहिए। सबको धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्पेशल डिग्निटरीज फॉर देयर प्रेजेंस। अ राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बता